बेसिकली KDA में जो है ये काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो गायब हो जा रही थी, और किसने फाइल इशू कराई रिकॉर्ड रूम से ये बात पता नहीं चल पा रही थी। जो आदमी सिग्नेचर करता है वो बाद में डिनाई कर देता है कि उसको ये फाइल नहीं मिली। इसको देखते हुए हम लोग एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम डाल रहे हैं। इसमें जो है जब आदमी फाइल इशू कराएगा तो उसको अपने थंब इम्प्रेशन देने पड़ेंगे बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू। साथ ही साथ जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक डिस्पैचर की जगह हम लोग एक कंप्यूटर और बायोमेट्रिक डिवाइस लगाएंगे। तो जब वहाँ से फाइल इशू होगी रिकॉर्ड रूम से तो डिपार्टमेंट्स में जब एंट्री होगी फाइल की वो भी हम लोग जो है थ्रू फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जान सकते हैं कि फाइल का मूवमेंट कहाँ हुआ। इसके अलावा एक और रूल हम लोग पास कर रहे हैं कि एक बाबू मैक्सिमम 25 फाइल से ज़्यादा नहीं रख सकता है और मैक्सिमम 15 डेज तक रखेगा, और उसके बाद उसको फाइल री इशू करानी पड़ेगी। तो एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है जो जो काफ़ी ऑफिसेज में जो लगाया गया है दिल्ली में, तो उसको हम लोग अब KDA में लागू करेंगे।